हेलो एवरीवन, आज हम लोग AS7 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ये जानने जा रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर एनुअली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करेगा। ये बात आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है, जो उसकी रेवेन्यू होती है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की होती है, राइट? सपोज कॉन्ट्रैक्टर ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो 4 सालों का लेता है, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल, राइट? अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ये है 50 लाख रुपीज। तो ये 4 सालों के कॉन्ट्रैक्ट की टोटल रेवेन्यू है 50 लाख रुपए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो तो तब पता चलेगा जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो उसे पता चलेगा कि टोटल खर्चा उसका कितना है, राइट? जब उसे टोटल खर्चा पता चलेगा तभी वो टोटल रेवेन्यू में से घटाएगा और प्रॉफिट बता पाएगा। लेकिन आपको तो ये पता है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने एनुअली बनाने होते हैं, यानी मुझे एक बार अकाउंट्स यहां बनाना है, फिर दूसरा अकाउंट्स यहां बनाना है, तीसरा अकाउंट्स यहां बनाना है और चौथा अकाउंट्स यहां बनाना है। देखिए, ये है मेरा पहला साल और पहले साल का अंत है ये, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। यहां पे मुझे पहली बार अपना अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना होगा। तो अब यहां पे जब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए रेवेन्यू और दूसरा चाहिए एक्सपेंस। अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा देंगे तो मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा या लॉस पता चल जाएगा, राइट? अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो यहां पे क्या मुझे यहां से यहां लगे एक्सपेंस की जानकारी है? बिल्कुल है, मुझे एक्सपेंस तो एक्चुअल में पता है, क्योंकि वो पूरे पीरियड में जो मैंने एक्चुअल एक्सपेंस लगाया है वो मुझे जानकारी है। लेकिन क्या मुझे इस पीरियड की रेवेन्यू पता है? नहीं, मुझे तो रेवेन्यू ओवरऑल पता है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू कितनी है, 50 लाख रुपए, राइट? मुझे रेवेन्यू नहीं पता कि पहले साल की कितनी है, क्योंकि मुझे पहले साल के लिए कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे पूरे कॉन्ट्रैक्ट करने का 50 लाख रुपए मिल रहा है। तो आपके मन में एक विचार आ सकता है कि सर मैं बताता हूं क्या हो सकता है, 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट अगर 50 लाख रुपए की रेवेन्यू देता है तो इसका मतलब है 1 साल की रेवेन्यू है 12.5 लाख, 50 लाख डिवाइडेड बाई 4। तो मैं कहूंगा ऐसे कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने अनुमान लगाया है 4 साल में कंप्लीट हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में कंप्लीट हो, तब तो आपकी पहले साल की रेवेन्यू गड़बड़ हो गई। कैसे आप कह सकते हो कि 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू अगर 50 लाख है तो 1 साल के रेवेन्यू 12.5 लाख होगी, क्योंकि ये तो अनुमान है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट 4 सालों में कंप्लीट होगा, हो सकता है ना हो, ठीक है? तो यानी अब यहां पे स्टैंडर्ड क्या बताता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तरह तरह के विकल्प हमारे मन में आ सकते हैं, लेकिन अब स्टैंडर्ड AS7 ये बात सिंक्रोनाइज कर देता है कि आपको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करनी है। वो कहता है रेवेन्यू क्या होगी करंट ईयर की, करंट ईयर की रेवेन्यू होगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक ही चीज होती है, विच इज 50 लाख रुपीज। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जितना परसेंटेज काम हो गया है। जैसे अगर मान लीजिए पहले साल 25% काम हो गया है, तब तो पहले साल की रेवेन्यू होगी 50 लाख × 25% 12.5 लाख। अगर पहले साल से 20% काम हुआ है तो 50 लाख रुपए × 20% दैट इज 10 लाख पहले साल की रेवेन्यू होगी, ठीक है? और इसके बाद खर्चा, खर्चा तो आपको एक्चुअल पता ही है, एक्चुअल एक्सपेंस घटा दीजिए और आपको मिल गया प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अगर रेवेन्यू ज्यादा था खर्चा कम था प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू कम हो गया खर्चा ज्यादा हो गया तो लॉस आ जाएगा। तो बड़े सिंपल सी बात AS7 कहता है कि रेवेन्यू निकालने का तरीका है जो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर द ईयर, आपको फॉर द ईयर मिल जाएगा।
और फॉर द ईयर एक्सपेंस कितना है ये तो आपको पता ही है, तो आप घटा दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। अब अगले साल का जानना, आइए दूसरे साल पे पहुंचते हैं, मुझे इस साल का प्रॉफिट जानना है, कैसे जानेंगे? कहता है बहुत सिंपल सी बात है। अब आप ये देख लीजिए यहां तक कितना काम हो गया है, यहां तक कितना काम हो गया है, तो मुझे पता चला यहां तक जो काम हो गया है वो 40% हो गया है। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर कितना काम हुआ है, पहले साल 25% हो गया था और यहां तक 40% हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां तक 40% काम प्रोजेक्ट का हो चुका है, यानी मैंने ड्यूरिंग द ईयर 15% काम और किया है। कहता है बड़ी सिंपल सी बात है, दूसरे साल आप क्या कीजिए, दूसरे साल की रेवेन्यू देख लीजिए कितनी हुई, 15% इंटू 50 लाख कर दीजिए, 50 लाख इंटू 15%, ये हो गया 7.5 लाख, ये हो गई रेवेन्यू। अब खर्चा, इस साल जो भी एक्चुअल खर्चा लगा है वो घटा दीजिए आप, जो भी आपका दूसरे साल खर्चा लगा है वो घटा दीजिए, इसमें से मान लीजिए 5 लाख रुपए लगा है, घटा दीजिए 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया। तो कहता है हर साल के प्रॉफिट निकालने का यही तरीका है, क्या कीजिए आप, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई कीजिए। कितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई कीजिएगा, टिल डेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, ड्यूरिंग द ईयर वाला, ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना काम किया है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से उसी पर्टिकुलर ईयर का एक्चुअल खर्चा घटा दीजिए, यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ द लॉस। अब ध्यान दीजिएगा AS7 जो बात करता है ये बिल्कुल अलग है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमेशा आप जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेते हैं वो क्यूमुलेटिव लेते हैं, हालांकि मुझे यहां पे कॉस्टिंग की बात करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं AS7 की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, राइट? तो चलिए AS7 पे फोकस कीजिए, कुछ बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए ये बात मैंने मेंशन कर दी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमेशा क्यूमुलेटिव वर्क इन प्रोग्रेस की बात की जाती है, वहां पे प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग होता है, AS7 एक अलग कैलकुलेशन की बात करता है। सो बी अलर्ट ओवर हियर, यहां पे हम जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर का लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पता चल जाती है और ड्यूरिंग द ईयर का एक्चुअल खर्चा तो मुझे पता होगा ही, वो मैं घटा के प्रॉफिट या लॉस निकाल लेता हूं। लेकिन ये पूरी कैलकुलेशन करने के पहले आपको एक दूसरा काम करना है, एक दूसरा ही काम करना है, मुझे ड्यूरिंग द ईयर की प्रॉफिट निकालने से पहले एक ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिट या लॉस देखनी पड़ेगी और उसे कहा जाता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। इसको एक नाम और दिया जाता है, वो भी लिख लीजिए, फोर्सिएबल, फोर्सिएबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। फोर्सी का मतलब होता है फ्यूचर देखना, ठीक है? तो फोर्सिएबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस या फिर कह लीजिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब ये क्या चीज है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। कहता है कि आप यहां का प्रॉफिट निकालिए, आप यहां जो प्रॉफिट आ रहा है वो निकालिए पहले साल के अंत पे, दिस इज योर फर्स्ट ईयर, और यहां पे आप प्रॉफिट निकालिए, लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आप फायदा कमा रहे हैं कि नहीं। अब वो कैसे निकाला जाता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब टोटल रेवेन्यू कितनी है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 50 लाख रुपए है, इसमें घटाइए कॉस्ट टिल डेट, मतलब यहां तक का जो एक्चुअल खर्चा है वो घटाइए। यहां पे हम क्या चीज ला रहे हैं, यहां तक का एक्चुअल खर्चा, तो मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूं, यहां पे ये लाया जा रहा है, यहां तक का एक्चुअल खर्चा वो कितना है, मान लेते हैं 8 लाख रुपया। फिर इसमें से लेस कीजिए फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक का अनुमानित खर्चा आने वाले 3 सालों में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में और कितना खर्चा लगेगा। देखिए रेवेन्यू 50 लाख ये तो एक्चुअल है भाई, ये तो मिलनी है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू है। 8 लाख रुपए का खर्चा ये भी फैक्ट है, 8 लाख रुपए आपने पहले साल इनकर किया है,
लेकिन आने वाले समय में आप कितना खर्चा और करेंगे इसका अनुमान घटाना है। मान लेते हैं आने वाले सालों में मेरा खर्चा लगना है 32 लाख रुपए, तो कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिट कितनी है देख लीजिए, 40 लाख रुपए का खर्च टोटल खर्चा है जो हो चुका है और होने वाला है मिला के, ये हम 50 लाख रुपए में से घटाएंगे तो 10 लाख रुपए की मेरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, क्या ये करंट ईयर प्रॉफिट है? नहीं बच्चों, ये करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का टोटल प्रॉफिट है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में कमा रहे हैं तो अब बात आती है कि चलिए इस साल का प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज किया जाए। तो अब इस साल के प्रॉफिट की बात करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और यही प्रॉफिट पीएल में ले जाया जाता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। पहले साल कितना काम हुआ है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए मेरा पहले साल जो काम हुआ है वो हुआ है 25%, ठीक है, अगर मेरा काम हुआ है तो यानी ये कितना हो गया 12.5 लाख। इसमें से हम कॉस्ट घटाएंगे, कॉस्ट जो कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 8 लाख रुपया, वो घटाएंगे और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा कितना 4.5 लाख। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है किसी को, बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है तब तो आप करंट ईयर की प्रॉफिट निकालिए, अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट की जगह एस्टिमेटेड लॉस हो गया तो आप करंट ईयर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50 लाख रुपया, आपने टोटल खर्चा अभी तक किया है 8 लाख रुपए का और होने वाला खर्चा अब आपका कितना है, होने वाला खर्चा है आपका से 47 लाख। 8 लाख रुपए लग चुका है, अब 47 लाख रुपए और लगेगा तो टोटल कितना लग जाएगा 55 लाख रुपए। आपको 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट में घाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर 5 लाख रुपए का पूरे कॉन्ट्रैक्ट में घाटा दिखा दे रहा है तो आपको करंट ईयर प्रॉफिट अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 5 लाख रुपए का घाटा इमीडिएटली तुरंत पीएल में चला जाएगा। देखिए होता क्या है, अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है तो इस साल का फायदा पीएल में जाएगा, लेकिन अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है तो जितना घाटा है पूरा इसी साल जाएगा। तो यानी इस केस में 5 लाख रुपया पूरा इसी साल जाएगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव था, जैसे कि यहां पे पॉजिटिव था, तो आपको क्या निकालना है, करंट ईयर का प्रॉफिट। हालांकि ऐसा पॉसिबल है कि आपको ओवरऑल घाटा दिख रहा है और करंट ईयर की कैलकुलेशन आप करोगे ना तो आपको फायदा दिख जाएगा। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो गया है 8 लाख रुपए लगा के, 25% काम हो चुका है मान लेते हैं, ठीक है, और बैलेंस 75% काम करने में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, बिल्कुल मान सकते हैं ऐसा। ये हम क्यों एस्टिमेट ऐसा लगा रहे हैं कि 75% काम करने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ऐसा पॉसिबल है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई एस्केलेशन क्लॉज नहीं है, लेबर की और मटेरियल की कीमतें बहुत बढ़ने वाली है ये मुझे पता है, और मैंने उसके हिसाब से अनुमान लगाया है कि वो 47 लाख होगी और कोई एस्केलेशन क्लॉज भी नहीं है, यानी मुझे घाटा होने वाला है आने वाले 75% काम करने में। अभी तो मैंने बहुत अच्छे रेट पे काम कर लिया है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 1/4 काम करने में आपको सिर्फ 8 लाख रुपए लगे और 3/4 काम करने में, हालांकि 1/4 में अगर 8 लाख रुपए लगे तो 3/4 और काम करने में सिर्फ 24 लाख रुपए लगने चाहिए, लेकिन फिर भी 47 लाख लगेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मेरे खर्चे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि करंट ईयर में 50 लाख का 25% काम हो चुका है, यानी 12.5 लाख का काम हो चुका है, और उसकी कॉस्ट कितनी है 8 लाख रुपए, तो 4.5 लाख रुपए का फायदा है। क्या मैं ये फायदा रिकॉग्नाइज कर सकता हूं इस सिचुएशन में भी? नहीं कर सकता। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको घाटा हो रहा है तो करंट ईयर में फायदा कैसे हो सकता है? अकाउंटिंग ये कहता है कि कुल मिला के तो कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है ना, तो करंट ईयर में आप फायदा कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? यानी अगर आपको ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में घाटा दिखाई दे तो पूरा घाटा इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर लीजिए, प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा दिखाई दे रहा है तो अब आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल के उसे पीएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात,
मान लीजिए मैं कैलकुलेशन को चेंज करता हूं, एक और कैलकुलेशन लेते हैं यहां पे। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 लाख रुपए है, अभी तक का कॉन्ट्रैक्ट करने में 8 लाख रुपए लग गए हैं और ₹40 लाख आने वाले काम को कंप्लीट करने में लगेगा। 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, 8 लाख रुपए लग चुके हैं, 40 लाख रुपए अभी और लगने वाले हैं, तो कुल मिला के देखिए आपके खर्चे कितने हैं, 48 लाख रुपीस, और आपकी रेवेन्यू कितनी है, 50 लाख रुपीस, यानी 2 लाख रुपए का आपको फायदा होगा। लेकिन जब हम करंट ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यही सिचुएशन है, 50 लाख रुपए का ये मेरी रेवेन्यू है, 25% सचमुच मैंने काम कर लिया है, ये आ रहा है 12.5 लाख, और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये कितना है, 8 लाख रुपए, इस साल का तो खर्चा 8 लाख रुपए है, तो प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, 4.5 लाख रुपए। क्या मैं करंट ईयर में 4.5 लाख रुपए की प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? नहीं, मैं 4.5 लाख रुपए की प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। मैं कितनी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? मैक्सिमम 2 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख का फायदा है तो AS7 कह रहा है आप कैसे इस साल 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो? अरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2 लाख का फायदा हो रहा है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि आपको करंट ईयर में 4.5 लाख रुपए का फायदा है? तो इस केस में मुझे 2 लाख रुपए का ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है। तो अब आपको शायद बात समझ में आ रही होगी कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट का क्या रोल है AS7 में। प्रॉफिट तो करंट ईयर प्रॉफिट, यही पीएल में जाना है, लेकिन उसके पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट 5 लाख का है और करंट ईयर का प्रॉफिट आपका 6 लाख का आ रहा है तो भी आप 5 ही लाख रुपए पीएल में ले जाएंगे। अगर करंट ईयर में आपको घाटा दिखाई दे रहा है तो आप पूरा पूरा घाटा पीएल में ले जाएंगे, आप करंट ईयर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब आइए हम एक फाइनल चार्ट आपको बना के देते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले निकालते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट, आपकी नोट्स में भी ये चीज दिया हुआ है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम पूरी कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू लेते हैं, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इसमें से घटाते हैं। टिल डेट का मतलब होता है एक्चुअल खर्चा, ये एक्चुअल खर्चा हम टिल डेट घटाते हैं, और इसमें से फिर हम फर्दर घटा देते हैं आने वाला खर्चा, होने वाला खर्चा फ्यूचर का, तो मुझे मिल जाता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अब बात करते हैं आगे, अगर ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है तो क्या होगा, और निगेटिव है तो क्या होगा? तो हम शायद यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको। एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर आपका पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव है तो क्या होगा? निगेटिव है तो रिकॉग्नाइज फुल लॉस इमीडिएटली इन पीएल अकाउंट, पूरा लॉस तुरंत रिकॉग्नाइज कर ले। अगर पॉजिटिव है तो क्या करें, अगर पॉजिटिव है तो क्या करें, कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। अब करंट ईयर प्रॉफिट क्या आ रहा है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल से लेते हैं, अगर मान लीजिए पॉजिटिव प्रॉफिट ये 5 लाख है और करंट ईयर का प्रॉफिट क्या आ रहा है, पहला अगर 2 लाख आ रहा है तो, दूसरा ऑप्शन अगर मान लीजिए 6 लाख आ रहा है तो, तीसरा ऑप्शन करंट ईयर में अगर लॉस आ रहा है -2 लाख आ रहा है तो क्या करेंगे? अगर ओवरऑल प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट 5 लाख रुपए आ रहा है और करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख आ रहा है, करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी उसमें हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई किया। स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे अभी चर्चा करना बाकी है, ठीक है, अभी हम करेंगे इस पे कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट ईयर की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, करंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसमें से लेस करेंगे क्या एक्चुअल खर्चे इस पर्टिकुलर ईयर के, तो आपको मिलता है करंट ईयर का प्रॉफिट। अगर ये 2 लाख रुपए आ गया तो हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पीएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑफ
2 लाख एनपीएल, अगर 6 लाख आ गया तो कैलकुलेशन कुछ भी हो सकता है। देखिए मुझे ओवरऑल दिख रहा है 5 लाख का फायदा, लेकिन करंट ईयर में बहुत इकोनॉमिकल काम हो गया है, इसलिए करंट ईयर में तो दिखाई दे रहा है कि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आगे खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, उस हिसाब से ओवरऑल प्रॉफिट कम होने वाला है, बिल्कुल पॉसिबल है कैलकुलेशन वाइज। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख रुपए का फायदा है, करंट ईयर में 6 लाख रुपए का फायदा दिख भी रहा है, तो हम 6 लाख का फायदा नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। जिस कॉन्ट्रैक्ट में ही टोटल मुझे 5 लाख कमाने हैं, मैं कैसे कह दूं कि अभी तक मैंने 6 लाख कमा लिए? पता है 6 लाख का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी तक 6 लाख कमा लिया। अरे कैसे कमा लिए जब पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना कमाओगे? 5 लाख। इस केस में भी मैं 5 लाख रुपए का ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करूंगा, यानी पूरा प्रॉफिट इसी बार रिकॉग्नाइज कर लूंगा। रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑफ 5 लाख इन पीएल। अगर लॉस हो गया तो, अगर ओवरऑल प्रॉफिट है, करंट ईयर में लॉस दिखाई दे रहा है, तो AS7 ये कहता है, ये कैसा? अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कमा रहे हो तो करंट ईयर में घाटा मत रिकॉग्नाइज करो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में तुमको कमाई हो रही है। एक काम करो, अभी कुछ मत रिकॉग्नाइज करो, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस रहने दो। लॉस कैसे रिकॉग्नाइज कर ले? पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हम कमाएंगे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हम कमाएंगे तो हम लॉस भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये नोशनली आ रहा है लॉस, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी खर्चे ज्यादा लग गए, पीछे खर्चे कम लगने वाले हैं, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो जब हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं, तो हम करंट ईयर में लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो हम यहां पे क्या करेंगे, नो प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल, राइट? आइए पढ़ते हैं इसे, देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे। AS7 provides that whenever total contract cost is expected to exceed total contract revenue, जब भी आपको लगता है कि contract की total cost contract की total revenue से ज्यादा होगी, the loss should be recognized as an expense immediately। तो losses को आप तुरंत recognize कर लीजिए, जब भी लगे कि खर्चा ज्यादा होगा revenue से, total खर्चा ज्यादा होगा total revenue से, तो आप losses को immediately recognize कर लीजिए, पूरा का पूरा, irrespective of the fact। Irrespective of the fact, मैं ये बात लिखवाता हूं आपको, आप उसी के आगे नोट कर लीजिए, पूरा घाटा तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे, irrespective of the fact, number one, whether work commenced or not, number two, stage of completion of contract, number three, profit on other contract, क्या कहना चाहता हूं मैं? अगर आपको total contract में घाटा दिखाई दे रहा है, total contract का मतलब क्या है? Estimated profit oblique loss की बात हो रही है, ठीक है, अगर estimated loss आ रहा है तो आप पूरे लॉस को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लें, चाहे आपने काम शुरू भी किया है कि नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? पता है मैंने टेंडर भरा था एक काम के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, उसका मैंने टेंडर भरा, और ये टेंडर मैंने भरा था करीब 25 जुलाई को, और ये टेंडर खुला जाके 25 मार्च को कह लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था तभी टेंडर भरवाया गया था 25 मार्च को, और करीब 30 मार्च को, ये 31 मार्च है, ईयर एंड होने वाला है, ये ईयर है, ठीक है, उसी के जस्ट पहले 30 मार्च ये चल रहा है, 31 मार्च को यहां पे ईयर पूरा हो जाएगा, 30 मार्च को टेंडर खोला जाता है और मुझे टेंडर अवॉर्ड कर दिया जाता है, मुझे काम मिल जाता है वो गवर्नमेंट का, ठीक है। कैसे मिलता है काम? आपको पता ही होगा, जो सबसे लोएस्ट कोटेशन देता है उसको काम मिल जाता है, तो मैंने सबसे लोएस्ट कोटेशन दी थी, मुझे काम मिल गया। अब काम क्या था ये भी बता दूं, काम था गवर्नमेंट को कहीं पे गड्ढे खुदवाने थे, एक्चुअली कैनल की तरह बनवाना था, कहीं गड्ढे करवाने थे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था करीब, आप ऐसे समझ लिए 10 किलोमीटर तक लंबी नाली जैसी कुछ बनानी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कई कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर भरवाए, मेरा सबसे लोएस्ट कोटेशन था, गवर्नमेंट ने मुझे काम दे दिया। तो 30 मार्च को हम पार्टी कर रहे थे,
ठीक है, 30 मार्च को हम पार्टी अनाउंस की, क्योंकि मेरा टेंडर खुल गया था, मुझे काम मिल गया था, तो मैंने पार्टी दी। उस पार्टी में बहुत सारे वो कॉन्ट्रैक्टर भी आए जिन्होंने टेंडर भरा था और उनको काम नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो भी शहर के जाने माने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेरे दोस्त यार भी हैं, बिजनेस में भले कॉम्पिटिशन हो लेकिन मैंने उनको भी इस पार्टी में बुलाया, ठीक है। अब पार्टी में ही बातचीत हो रही थी आपस में, तो मैंने उनसे पूछा कि, उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे भाई साहब आपने इतने कम में कैसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, सुना कि आपने सिर्फ 50 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कैसे करेंगे आप 50 लाख रुपए। मैंने कहा यार इतने रुपए की मजदूरी लेबर की होती है, एक दिन में इतना मजदूर गड्ढा खनेगा, इस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन तो बैठ रही है, करीब 20 लाख रुपए का काम है, 50 लाख रुपए में मिला है, खर्चा तो 20 ही लाख आएगा, 30 लाख रुपए मेरी प्रॉफिट है। तो वो मेरा कॉम्पिटिटर था, ठीक है, उसने मुझे क्या बताया, कहा भाई साहब आप किस सपना, कौन सा सपना देख रहे हो, पता है वहां पे बस 2-3 किलोमीटर तक ही क्या है, मिट्टी है, उसके बाद तो पत्थर है पूरा। अरे पत्थर काटना होगा लेबर को, जरा सोचिए मिट्टी काटने में कम समय लगता है, पत्थर कैसे काटेगा वो, बहुत समय लगेगा, बहुत ज्यादा खर्चा बैठेंगे आपको। फिर मैंने कहा ओ ये गड़बड़ी हो गई, मैंने तो 50 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, इस कॉन्ट्रैक्ट में 1.5 करोड़ रुपए का तो खर्चा है सिर्फ। ओ माय गॉड, 30 मार्च की पार्टी में ही मेरा तो क्या हो गया, घंटाधार हो गया, ठीक है। बाकी सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे और हम कोने में बैठ के तमाशा देख रहे थे, क्यों, क्योंकि मेरे को तो 1 करोड़ रुपए की चपत लगी है। अब यहां पे मुझे पता चला कि मेरे 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, कैसे 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा और 50 लाख रुपए की रेवेन्यू आनी है, काम भी अभी शुरू नहीं किया है। काम कब शुरू होना था, अरे हमने तो पूजा रखवाई थी, 5 अप्रैल को पूजा होगी, उसके बाद काम शुभ शुभ काम शुरू करेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू होना था, ये घाटा कब रिकॉग्नाइज करना है इसी फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें अभी आपने पूजा भी नहीं कराई, अभी काम भी शुरू नहीं किया है, बस घाटा का पता चला और सदमे में हम आए हैं, बस इतने पे ही क्या करना है, लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये कहता है ES7। दुख दर्द है ना, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग चलती है, सुख अगर दूर भी है, सुख अगर पास भी है तो उसको गले ना लगाना, लेकिन अगर दुख दूर भी है तो भी क्या करना है, खींच के गले लगाना है। तो ये दुख अभी दूर था, अगले साल तो हम शुरू करते काम, ठीक है, 3 सालों में कंप्लीट करते, तब जाके उसका ना दर्द है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन कहता है दर्द पता चला ना, चलो गले लगाओ, रिकॉग्नाइज करो इमीडिएटली। ये है पहला पॉइंट। दूसरा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए इस बारे में मुझे पता चलता 1 महीने बाद, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की 1 महीने बाद, और मैंने अभी 2% काम कंप्लीट किया है बस, तब देखा मैंने पत्थर आना शुरू हो गया, अरे मिट्टी की जगह पत्थर काटना है लेबर को, तब मुझे पता चला कि मुझे तो घाटा हो गया, क्या करूं, रिकॉग्नाइज कर लूं, कह रहा है तुरंत रिकॉग्नाइज करूं, कहता है काम शुरू हुआ कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, घाटा पता चला रिकॉग्नाइज, काम अभी जस्ट शुरू ही किया, जुम्मा अभी शुरू हुआ है, 1-2% काम हुआ है, नुकसान का पता चल गया, क्या रिकॉग्नाइज कर लो, कहता है तुरंत करो रिकॉग्नाइज। तीसरा, प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है, पता है इस कॉन्ट्रैक्टर के पास, मेरे पास ये, मैं ही तो हूं, मैं ही तो पार्टी दे रहा था, मेरे पास 50 कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे 1-2 कॉन्ट्रैक्ट हुई ना है, 50 कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले रखे हैं, और बाकी के 49 कॉन्ट्रैक्ट में, 49 कॉन्ट्रैक्ट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 1 कॉन्ट्रैक्ट में घाटा हो रहा है, तो क्या मैं इसके घाटे को रिकॉग्नाइज करना छोड़ दूं, छोड़ो हटाओ यार, बाकी सब में तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना, नहीं, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अकाउंट्स बनता है और इस कॉन्ट्रैक्ट का घाटा आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में घाटा हो रहा है तो मैं उस घाटे को रिकॉग्नाइज करूंगा। मतलब यहां पे ये कहना चाहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख का फायदा हो रहा है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख का घाटा हो रहा है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि 8 लाख रुपए की प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर ले, कह रहा है नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट का 10 लाख का फायदा रिकॉग्नाइज करो, दूसरे का 2 लाख का घाटा भी रिकॉग्नाइज करो सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब फायदा है तो फायदा रिकॉग्नाइज करो दूसरे का, और इसका घाटा भी अलग से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, कुल मिला के ES7 ने यह कहा कि अगर आपको एस्टिमेटेड लॉस दिखाई दे दिया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू हैव कमेंस्ड बिजनेस और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट, यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, पूरा का पूरा। अरे ये तो घाटा पूरे कॉन्ट्रैक्ट का है 1 करोड़ रुपए का,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 सालों में कंप्लीट, तो क्या मैं 3 सालों में धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर लू, 1/3 करके रिकॉग्नाइज कर लू? कहता है नहीं, पूरा घाटा अभी का अभी रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं, ये लाइन कंप्लीट कर ली। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, तो जब भी आपको करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है तो उसके पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना होगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट निकालने का तरीका यह होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू है उसमें से अभी तक का एक्चुअल खर्चा और आने वाले पीरियड का एस्टिमेटेड खर्चा निकाल लीजिए, ये दोनों घटाइए तो आपको मिल जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर निगेटिव है तो बात ही खत्म, कैलकुलेशन खत्म, यही लॉस पूरा रिकॉग्नाइज कर लो। अगर प्रॉफिट है तो हम बात करेंगे करंट ईयर की प्रॉफिट कितनी है। आइए हम वापस से बात करते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट की। इस चार्ट की मदद से, एक चार्ट मैंने बनाया था, ये रहा, इसकी मदद से हम लोग बात करते हैं। अगर आप यहां पर निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो कैसे निकलेगा, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेंगे जो कि किसकी है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें से हम एक्चुअल खर्चा घटाएंगे जो कितना है इतना, और एस्टिमेटेड खर्चा घटाएंगे जो कितना है इतना। ये पीरियड की है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये है एक्चुअल खर्चा और ये है एस्टिमेटेड खर्चा, एस्टिमेट खर्चा और ये एक्चुअल एक्सपेंस। अगर हम यहां पे निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अगले साल फिर तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप निकालोगे, क्योंकि हर साल आप प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट में डालने से पहले, करंट ईयर प्रॉफिट निकालने से पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। जब हम यहां पे निकालेंगे स्टूडेंट्स, कोई दूसरा कलर हम यूज कर लेते हैं, ग्रीन कलर, अगर हम यहां पे निकालेंगे अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो वो कैसे निकाला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होगी, सेम यही होगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिर से यही, एक्चुअल खर्चा, अरे भाई 2 साल हो चुका है तो अब एक्चुअल खर्चा यहां से लेके यहां तक का है और एस्टिमेटेड खर्चा यहां से लेके यहां तक का है। अब एक्चुअल खर्चा बदल जाएगा, 2 साल हो गए तो 2 साल का एक्चुअल ले लो और आने वाले 2 साल का एस्टिमेटेड खर्चा घटा लो। जब हम तीसरे साल निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो यही की यही होगी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू यही होगी, लेकिन अब यहां पर एक्चुअल खर्चा होगा यहां से यहां तक और एस्टिमेटेड खर्चा होगा यहां से यहां तक का। आई होप किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, एक्चुअल खर्चा यहां से यहां, एस्टिमेटेड खर्चा यहां से लेके यहां तक का, क्यों, क्योंकि बस एक ही साल बचा है। अब लास्ट ईयर पे आ जाइए, लास्ट ईयर पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अब एक्चुअल प्रॉफिट पता चल गया, एक्चुअल रेवेन्यू है ये यहां से यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, और यहां से यहां तक का पूरा एक्चुअल खर्चा पता चल गया ना, यहां से यहां तक का पूरा एक्चुअल खर्चा पता चल गया, तो अब आखिरी साल एस्टिमेटेड प्रॉफिट जैसी कोई चीज होती नहीं है, आखिरी साल आता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट। और हर साल हम कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट डालने से पहले क्या निकालते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और आखिरी साल हम निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। आखिरी साल यही एस्टिमेटेड तरीके से ही निकालना है, जैसे एस्टिमेट निकाल रहे थे ना वैसे ही निकालना है। ठीक है, वहां पर क्या लिखेंगे, अगेन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लिखेंगे, माइनस करेंगे कौन सा खर्चा, एक्चुअल खर्चा टिल डेट, तो एक्चुअल खर्चा टिल डेट में चारों साल का खर्चा आ जाएगा, फ्यूचर का कोई खर्चा है ही नहीं, तो प्रॉफिट कौन सी आ गई, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट को निकालेंगे। आप जब भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट को निकाल रहे हैं, चाहे आप पहले साल के अंत पे निकाल रहे हैं तो भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, आप दूसरे साल में भी निकाल रहे हैं तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ही प्रॉफिट है, आपने तीसरे साल भी अगर निकाला एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो भी आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ही प्रॉफिट निकाला। क्लियर इतनी बात। अगर मुझे ये पॉजिटिव दिख गया तो क्या करना होता है, पॉजिटिव दिख गया तो अब आइए यहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू में करंट ईयर स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, करंट ईयर मतलब कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू में जब इस साल का पहले साल आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, पहले साल का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप यहां तक की बस स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब आप दूसरे साल का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट निकालोगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन बस इतने पीरियड का मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतने पीरियड में बस सेकंड ईयर में कितना कंप्लीट हुआ, समझ में आ रहा है, सेकंड ईयर में बस इतने पीरियड में कितना कंप्लीट हुआ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, वो लगाइएगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्यूमुलेटिव WIP हम हमेशा लेते हैं, यहां पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑल टूगेदर,
यानी कि अगर मान लो हम ऐसे कह ले सकते हैं कि अगर पहले साल 25% स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी और दूसरे साल तक 40% स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, तो दूसरे साल 40 नहीं लेंगे, हम लेंगे 15% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि दो सालों में 40% हुआ है कंप्लीट, तो दूसरे साल में कितना हुआ, 15% स्टेज ऑफ कंप्लीशन हुआ। तो हम उस पर्टिकुलर ईयर की स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें से करंट ईयर कॉस्ट घटा देते हैं, तो मुझे मिल जाता है करंट ईयर का प्रॉफिट। अब इसमें करंट ईयर कॉस्ट घटाने में कोई परेशानी है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू आपको पता ही है। जो दिक्कत वाली चीज है वो एक ही है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। तो उसी के ऊपर स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। यहां स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के दो तरीके हैं, पहला तरीका बाय कॉस्ट मेथड और दूसरा तरीका है बाय सर्वेयर मेथड। AS7 कहता है कि आपको पहले प्रायोरिटी देनी है कॉस्ट मेथड को। अगर हम कॉस्ट मेथड से नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन कहीं साइलेंट है आपका एग्जामिनेशन में, तो आप सर्वेयर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली प्रायोरिटी लेकिन किसको देनी है, कॉस्ट मेथड को ही देनी है। कॉस्ट मेथड क्या होता है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का तरीका है कॉस्ट इंकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जितना खर्चा लग चुका है डिवाइडेड बाई टोटल कितना खर्चा है। अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट इंकर्ड प्लस फर्दर कॉस्ट। मैं आपको समझाता हूं स्टेज ऑफ कंप्लीशन को क्या कहना चाहता है। कहता है ये 4 साल का मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो यहां तक का तो आपको एक्चुअल खर्चा पता है, ठीक है, तो यहां तक का आप एस्टिमेटेड खर्चा बताओ, एस्टिमेटेड एक्सपेंस। मान लेते हैं एक्चुअल खर्चा है 10 लाख रुपया और होने वाला एस्टिमेटेड खर्चा है 40 लाख रुपया, तो कहता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू कॉस्ट इंकर्ड, कॉस्ट इंकर्ड का मतलब एक्चुअल खर्चा जो इंकर हो चुका है, अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब ध्यान दीजिए ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं है, जो ऊपर लिखा है 40 लाख रुपया ये फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये इतना और लगने वाला है। तो टोटल खर्चा क्या है, 40 लाख रुपए ये और 10 लाख रुपए ये, 50 लाख रुपए। तो हम लिखते हैं 10 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हम आपको बोल रहे थे ये ऊपर जो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट बोल रहे हैं ये फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं बोलता है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलता है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि पूरा टोटल खर्चा कितना लगेगा। तो जितना एक्चुअल पता है वो तो एक्चुअल होना, उसमें क्यों अनुमान लगाओगे बैठ के, ठीक है, अनुमान वहां पे लगाओ जहां पे अनुमान लगाने की आवश्यकता है, जहां पे एक्चुअल पता है वहां क्यों अनुमान लगा दें। तो टोटल एस्टिमेटेड खर्चा क्या है, जितना लग चुका है वो और जितना लगने वाला है वो सब मिला दो। अभी आ रहा है 20%, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 20%। बड़ी सुंदर सी बात है, अब इस साल का प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी उसमें हम 20% मल्टीप्लाई करेंगे इस साल का रेवेन्यू, और इस साल का खर्चा कितना है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए घटाएंगे प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात, एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ज्यादा आ गया तो निश्चित है कि हम यहां पे पूरा प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जितना ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एज पर रिपोर्ट ऑफ सर्वेयर। अब ये सर्वेयर कौन होता है मैं आपको बताता हूं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उसमें दो पार्टी होती है, एक है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टी। इस बात को बहुत जल्दी से समझेंगे क्योंकि बहुत विशेष मुझे फोकस करना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे बता देगा एज पर सर्वेयर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज इतना परसेंट, ठीक है। तो हमें इस कहानी से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे तो सीधे सीधे स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएगा क्वेश्चन, या तो वो मुझे खर्चे बताएगा कॉस्ट इंकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर वो नहीं बताएगा तो सीधे परसेंटेज बता देगा वो मुझे। तो इस कहानी का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि ये एज पर सर्वेयर मेथड होता क्या है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये कॉन्ट्रैक्टर से क्या बोलता है, कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपए का है, लेकिन ये 50 लाख रुपए जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब थोड़ी ना दोगे, तुम देते रहोगे बीच बीच में मुझे पैसे। वो इस तरीके से डिसाइड करता है, कहता है जितना जितना काम होते जाएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज तुम पैसा देते जाना,
अगर मैंने 20% काम कर लिया तो तुम मुझे कुछ पैसे दे देना, फिर मैं और काम कर लूंगा तो मुझे और पैसे दे देना, मैं और काम कर लूंगा और पैसे दे देना। कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कॉन्ट्रैक्टी को बोलता है, कहता है कुछ पैसे रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन जब मैं 10 लाख रुपए का काम कर दूंगा तो कम से कम 9 लाख रुपए दे देना। जिस दिन मेरा 20 लाख रुपए का काम हो जाएगा उस दिन तुम 18 लाख रुपए तक की पेमेंट रिलीज कर दोगे, ऐसा वो बात करता है कॉन्ट्रैक्टी से। तो अब यहां पे परेशानी क्या होती है मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि ये पूरी बिल्डिंग बनाने का कितना 50 लाख, पूरी बिल्डिंग बनाने का 50 लाख रुपया, लेकिन मैं जितना काम करते जाऊंगा उतना पैसा तुम देते जाना मुझे। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ये इतना काम कर देता है, कॉन्ट्रैक्टी बोलता है कि बताइए कितना पैसा मुझे देना है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्टर कितना बदमाश है, देखिए क्या कहता है, कहता है कि देखिए आपका 50% काम हो गया है, 25 लाख रुपए का काम हो गया है, काम करिए आप करीब 22 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, काम तो आपका 25 लाख का हो गया है, 22 लाख रुपए आप दे दीजिए मुझे। कॉन्ट्रैक्टर कहता है अरे इतना सा काम किया 25 लाख का कैसे हो गया, पूरी बिल्डिंग बनानी है तुमको तो 50 लाख रुपए होगा। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि सिविल इंजीनियर मैं हूं कि तुम हो, मैं ना इंजीनियर हूं, मैं बताऊंगा कितना काम हो गया है। कहता है कि बस यही मेन चीज होती है, ये जो फाउंडेशन मैंने बनाया है ना, ये इतनी दीवार खड़ी की है, यही मेन चीज है, यही आधा काम है, अब तो खड़ा कट पे पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्टी बेचारा क्या करे, ऐसे में फंस जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, अपने अब खुद एक सर्वेयर अलॉट करता है, ये कॉन्ट्रैक्टी का आदमी होता है सर्वेयर, ये भी सिविल इंजीनियर है, ये सर्वेयर यहां पर सर्वे करता है, इस बिल्डिंग पे आता है, सर्वे करता है और वो बताता है कि कितने रुपए का काम हो चुका है। ठीक है, अब ये सर्वेयर जाता है कॉन्ट्रैक्टी का, कहता है साहब वहां पे जो काम हुआ है ना करीब 20% का काम हुआ है, यानी कि 10 लाख रुपए का। अब सोचो ये बदमाश कॉन्ट्रैक्टर कितना बोल रहा था, कह रहा था 25 लाख का काम हो गया है और सर्वेयर बोल रहा है सिर्फ 10 लाख का काम हुआ है। तो मैं अपने सर्वेयर को कहता हूं कि बात कर लो कॉन्ट्रैक्टर से, वो तो कह रहा है कि 25 लाख रुपए का काम हो गया। सर्वेयर जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि काम तो भाई साहब देखिए 50% हो गया है 25 लाख रुपए का। सर्वेयर कहता है ना जहां से तुमने डिग्री ली है ना उसी कॉलेज के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, ठीक है, जहां से तुमने पढ़ाई की है वहां के हम प्रिंसिपल हैं, मतलब समझ में आ रहा है, सेम स्ट्रीम का है ना। तो कहता है मेरे साथ होशियारी मत करो, मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा 20% काम हो गया। तो ये भी कहता है हाँ साहब, हाँ भाई साहब 20% ही काम हुआ है, मैं तो सोचा कोई सर्वेयर नहीं है तो धीरे से पैसा निकलवा लूं इससे कॉन्ट्रैक्टी से। अब बात सेट हो जाती है। तो देखिए मैंने ड्रामेटाइज किया चीजों को, लेकिन पर्पस ये था कि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, एक सर्वेयर अलॉट करता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और वो सर्वेयर स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताता रहता है कितना परसेंटेज काम हो गया है, हालांकि इसके कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई इतना काम कितने रुपए का है और अकॉर्डिंगली ये पेमेंट देता है। क्लियर है बात आपको? तो ये जो परसेंटेज डिसाइड करता है ना, ये सर्वेयर कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके जो परसेंटेज डिसाइड करता है उसी को कहा जाता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में सीधे सीधे प्रोवाइडेड होगा, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 10, ठीक है। हालांकि इसको निकालने का एक तरीका भी है, सर्वेयर जब आता है देख के यहां पर तो कहता है 10 लाख रुपए का काम हुआ है, तो इसे कहा जाता है वर्क सर्टिफाइड, वो सर्टिफिकेट देता है कि 10 लाख रुपए का काम हो चुका है, इसे क्या कहा जाता है वर्क सर्टिफाइड। जो भी सर्वेयर जितने रुपए का काम बताता है कि हो चुका है साइट पे उसे कहा जाता है वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का ये भी एक तरीका है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड कितना 10 लाख रुपया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना 50 लाख रुपया, कितना काम हो गया 20%। तो आपके एग्जाम में या तो सीधे सीधे बोल देगा 20% काम हो चुका है, सर्वेयर ने बोला है कि 20% काम हो चुका है, और अगर नहीं बोलेगा तो हो सकता है वर्क सर्टिफाइड दिया, क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया हो तो आप वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करके निकाल दीजिएगा इसको। 99.99% ऑफ द केसेस में वो आपको परसेंटेज बताएगा, 0.01% रिस्क ले लेते हैं कि बताया ही नहीं, तो वर्क सर्टिफाइड आपको पता होना चाहिए कि वर्क सर्टिफाइड उस काम की वैल्यू होती है जो कॉन्ट्रैक्टी के सर्वेयर ने कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे जाके वैल्यूएशन की है काम की, और इसी को जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो यू कैन राइट इट ओवर हियर एज पर रिपोर्ट ऑफ सर्वेयर है ना, यहीं पे लिख लीजिए फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड
अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट। तो कोई परेशानी तो नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक चीज और देखती है हमारे साथ, AS7 की कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है। डिस्क्लोजर कहां किया जाता है? नोट्स टू अकाउंट में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नोट्स टू अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टर को कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है जिसे समझिए। ये कैलकुलेशन एक करनी पड़ती है। An enterprise should present the gross amount due from the customer for contract work or gross amount due to customer. Contractor को बताना होगा amount due from customer. Amount due from customer का मतलब होता है customer से कितना लेना है, and due to customer का मतलब होता है कितना customer को देना है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना, contractor ज्यादा पैसे निकलवा लेता है, तो ठीक है कितना पैसा देना है उसकी बात हो रही है, कितना पैसा लेना है, ठीक है। तो वह अपने नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेगा कि मैंने कितना पैसा अभी लेना है कॉन्ट्रैक्टी से, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टी को देना है। देना क्यों होगा? निश्चित सी बात है कि उसने ज्यादा पैसे निकलवा लिए इसलिए देना है। आइए कैलकुलेशन समझते हैं कैसे ये कैलकुलेशन होती है। कॉस्ट इंकर्ड, जितना खर्चा उसने लगा दिया, ठीक है, किसने लगा दिया? ये कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेशन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने जितने पैसे लगा दिए, अगर कुछ प्रॉफिट आ रहा है, कौन सा प्रॉफिट? ये जो आपने कैलकुलेट किया था करंट ईयर प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो यहां पे ऐड करना है प्लस। अगर कोई लॉसेस है, अब लॉसेस के केस में तो आपको मालूम है कि हम टोटल लॉस घटा देते हैं सीधे, ठीक है, तो अगर टोटल में लॉस आ रहा है तो वो लॉस घटा दीजिए। तो जितना खर्चा है, खर्चा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जोड़िए, और घाटा है तो घाटा घटाइए। लेस प्रोग्रेसिव बिलिंग, जितनी बिलिंग कर चुके हो, जितना बिल कर चुके हो वो घटा दो, क्योंकि आप समय समय पे बिल करते रहते हो ना, तो जितना बिल कर चुके हो वो घटा दो, चाहे पैसा आया है चाहे नहीं आया है। ध्यान दीजिए, प्रोग्रेसिव बिलिंग का मतलब है जितनी बिलिंग कर चुके हो वो पूरा घटा दो, ठीक है। ये अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब ये होता है बेसिकली कितने रुपए की बिल करके पैसा मंगाना बाकी है। ये ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब होता है हाउ मच फर्दर बिल टू बी रेस्ड। ठीक है, और इसका मतलब होता है कितना एक्स्ट्रा बिल कर दिए, हाउ मच एक्स्ट्रा बिल रेस्ड, हाउ मच एक्स्ट्रा बिल हैज बीन रेस्ड। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं होता है कितना पैसा आप मुझे लेना है, रीजन बीइंग कि ऐसा भी हो सकता है कि पैसे तो मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं लेकिन वो बिल रेज हो चुकी है, तब वो यहां नहीं आएगा। नोट्स टू अकाउंट में वो डिस्क्लोजर देना होता है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब ये होता है कितने रुपए की बिल और रेज करके पैसे लेने हैं, ठीक है। तो जितना खर्चा है उसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए, अभी लॉस की बात ना करें, तो जितना खर्चा है उसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए, और जितनी बिल कर चुके हो वो घटा दो, तो जितना बच गया उतनी बिल और करनी है। भाई 10 लाख रुपए का खर्चा लगा है, 2 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हो चुका है अभी तक, तो 12 लाख रुपए की बिल करनी थी, हमने 9 लाख रुपए की बिल की है, मतलब 3 लाख रुपए की बिल और करनी है। जो 3 लाख रुपए की बिल और करनी है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो हम इसको कहते हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, और अगर यही निगेटिव आ गया तो हम इसको कहते हैं अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, इतना बिल हम ज्यादा रेस कर दिए हैं इसका मतलब, ठीक है। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी बस दिमाग में बैठा लीजिए कि एक कैलकुलेशन ऐसी भी होती है जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, और वो क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने रुपए की बिल और रेस करनी है या कितने रुपए की बिल ज्यादा रेस हो गई है, और उसकी कैलकुलेशन क्या है, जितना खर्चा लगाए हो प्रॉफिट जोड़ दो, लॉसेस है तो घटा दो, माइनस कर दो जितनी बिल रेस कर चुके हो, पैसा आया है चाहे नहीं आया है मतलब नहीं है, जितनी बिल रेस कर चुके हो वो घटा दो, जो बैलेंस बच गया है उसको कहते हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर पॉजिटिव है तो, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर अगर निगेटिव है तो। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब होता है इतने रुपए की बिल रेस करना बाकी है, और अमाउंट ड्यू टू कस्टमर का मतलब होता है इतने रुपए की एक्स्ट्रा बिल आप रेस कर चुके हो, राइट। Let us look at question number one. Question number one देख रहे हैं। A company took a construction contract for rupee 100 lakh in January 2006.
एक 100 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है जनवरी 2006 में. इट वॉज फाउंड दैट 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉज फाउंड दैट 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 92 लाख. 92 लाख रुपए लगा के 80% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है ऑन द क्लोजिंग डेट दैट इज 31st मार्च 2007. अच्छा देखिए, ये जनवरी 2006 में कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था, यानी एक बार पहले बीच में 31st मार्च 2006 आया होगा, पहले एक साल ये क्लोज हुआ होगा, अब ये दूसरा साल क्लोज हो रहा है और दूसरे साल तक 80% काम हो चुका है 92 लाख रुपए लगा के. कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था जनवरी 2006 में, तो जनवरी फरवरी मार्च पहला साल, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च यानी 31 मार्च 2006 पहला साल, और फिर 2007 में ये दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया और यहां तक कितना काम हुआ है, कहता है 80% काम हो गया है 92 लाख रुपीस के खर्चे में. कॉन्ट्रैक्ट आपने 100 लाख रुपए में लिया है, 100 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू है. द कंपनी फर्दर एस्टिमेट्स फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 23 लाख फॉर कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी को लग रहा है कि 23 लाख रुपए का खर्चा और लगेगा, कंपनी को लग रहा है 23 लाख रुपए का खर्चा और लग जाएगा अभी. द एक्सपेक्टेड लॉस वुड बी 15 लाख, और ऐसे में 15 लाख रुपए का लॉस है. जोड़ लेते हैं, 92 लाख लग चुका है, 23 लाख और लगेगा, यानी टोटल खर्चा कितना, 92 और 23 115 लाख, और 100 लाख रुपए ही रेवेन्यू है, तो घाटा कितने का, 15 लाख रुपया. सही बोल रहा है भाई, 15 लाख रुपए का घाटा है. अब क्वेश्चन क्या है, कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज द लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2007. कह रहा है क्या कंपनी अभी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो 80% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो क्या कंपनी पूरा का पूरा लॉस अभी तुरंत रिकॉग्नाइज कर सकती है 15 लाख रुपए का? हाँ, कर सकती है. आपने यही पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको एस्टिमेटेड लॉस दिखाई दे रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि काम शुरू हुआ कि नहीं, काम कितना हुआ, 10% हुआ, 80% हुआ, 90% हुआ, उससे भी मतलब नहीं, पूरा लॉस तुरंत रिकॉग्नाइज कीजिए. तो यही बात आपको लिखनी है कि एज पर AS 7 अगर एस्टिमेटेड लॉस है तो पूरा लॉस इमीडिएट रिकॉग्नाइज होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, एंड देयरफॉर हम ये 15 लाख रुपए का लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे. तो आइए ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर किया जाता है ये दिखाते हैं, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर भी बहुत प्रेजेंटेबल मैनर में होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. लेकिन उससे पहले आपसे एक बात और पूछेंगे, ये 80% जो क्वेश्चन में दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, ये कौन से मेथड से है? दो मेथड में आपने पढ़ा था ना, देखो आपने दो मेथड पढ़ा था स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का, एक तो कॉस्ट मेथड और दूसरा सर्वेयर मेथड. तो ये जो 80% है ये कौन से मेथड से है बच्चों, ये 80% कौन से मेथड से आ रहा है, चेक कर लेते हैं. अरे इसमें परेशानी की बात क्या है, चेक कर लेते हैं ना. ऐसे कहिए अभी तक लगा है खर्चा कितना, मैं दिखाता हूं, अभी तक खर्चा लगा है 92 लाख, टोटल खर्चा कितना, 92 लाख लग चुका है और 23 लाख और लगेगा, मतलब 92 लाख डिवाइडेड बाई 115 लाख. तो ये हम कॉस्ट के हिसाब से निकाल रहे हैं भाई, देखा जाए कॉस्ट के हिसाब से कितना आ रहा है, 92 डिवाइडेड बाई 115, 80% आ रहा है, 0.8. यानी ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 80%, ये कॉस्ट मेथड से ही निकाल के दिया है, और कॉस्ट मेथड तो निकाल के बताने की जरूरत क्या थी, ठीक है आप खुद ही निकाल लेते, और यहां तो आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि यहां तो लॉस है और लॉस में तो हम लोग कुछ नहीं देखते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि प्रॉफिट निकालना ही नहीं है. स्टेज ऑफ कंप्लीशन की आवश्यकता कब है बच्चों, जब आपको प्रॉफिट निकालना है करंट ईयर का, तभी तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई करेंगे. अगर टोटल में घाटा आ गया तो मतलब क्या है, काम कितना हुआ, चाहे 2% हुआ चाहे 90% हुआ, घाटा तो पूरा रिकॉग्नाइज करना है. एस्टिमेटेड ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन की आवश्यकता है ही नहीं, यानी ये जो 80% बता रहा है इसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं है. दूसरी बात, अगर आवश्यकता होती तो हम निकाल लेते, ये देखो मतलब खतरनाक काम, आवश्यकता है नहीं फिर भी बता रहा है, और अगर आवश्यकता होती तो हम निकाल लेते, जरूरत क्या थी देने की. चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझना भी जरूरी होता है, ये हमने क्वेश्चन समझा, और अब आइए अब इसका आंसर लिखते हैं. AS 7 है ना, आंसर तो 1 ही है. लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू AS 7, पहले AS का नंबर, फिर
एएस का नाम अकॉर्डिंग टू एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड लॉस ऑन द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली व्हेन नोन. एस्टिमेटेड लॉस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जैसे पता चला तुरंत रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट. Irrespective of the fact, number one, whether work commenced or not. Number two, stage of completion of contract. Number three, profit on other contract. Right? तो अब यहां पे अब कॉन्क्लूजन देंगे. तो पहले हम एएस की बात लिखेंगे, उसके बाद हम कॉन्क्लूजन देंगे. कॉन्क्लूजन क्या है हमारा? Therefore, loss of रुपी 15 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007. राइट. आइए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. अ कॉन्ट्रैक्टर इज बिल्डिंग अ 20 फ्लोर बिल्डिंग फॉर हिज क्लाइंट. द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज 10 करोड़. 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू है 10 करोड़ एंड टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 8 करोड़. ध्यान दीजिएगा, फर्दर एस्टिमेटेड नहीं बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल बोल रहा है तो गलती नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 8 करोड़. ऑन 31 दिसंबर 2003, मतलब ये ईयर एंड होगा, दिसंबर क्लोजिंग करते होंगे ये लोग, जनवरी टू दिसंबर इनका फाइनेंशियल ईयर होगा. एट 31 दिसंबर 2003 The contractor has incurred cost of rupees 6 crore. Contractor ने 6 करोड़ रुपए का खर्चा कर लिया है. यानी अब फर्दर कितना लगने वाला है? अनुमान के हिसाब से 8 करोड़ रुपए का टोटल अनुमान था तो 6 करोड़ लग चुके हैं, यानी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 करोड़ है. A week before the balance sheet date 31st December 2003, the contract is revised. अच्छा, कह रहा है 31 दिसंबर के एक हफ्ते पहले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिविजन भी हुआ था. एंड द बिल्डिंग विल नाउ बी फॉर 30 फ्लोर. कह रहा है कि अब 30 फ्लोर की बिल्डिंग होगी. अब यानी 30 फ्लोर की बिल्डिंग होगी तो निश्चित है कुछ पैसे और लिए जाएंगे. आपको याद है, आपने पढ़ा था मुझसे पिछली क्लास में, इस क्लास के पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में वेरिएशन को जोड़ दिया जाता है. वेरिएशन ही तो है ये, ठीक है, 20 फ्लोर की जगह 30 फ्लोर, तो वेरिएशन की वजह से जितनी भी रेवेन्यू बढ़ेगी वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में बढ़ा दी जाएगी. तो कहता है कि बिल्डिंग कितनी हो गई थी? 30 फ्लोर की. बोथ पार्टीज एग्रीड टू द रिविजन. दोनों पार्टी एग्री कर ली है रिवीजन को. बताइए ये बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा था सर्टेनिटी होनी चाहिए. दोनों पार्टी एग्री कर ली है मतलब सर्टेनिटी है, यही बताना चाह रहा है, ठीक है, कि रेवेन्यू को तभी बढ़ाते हैं जब सर्टेनिटी हो, 100% सर्टेनिटी. द रिवाइज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 14 करोड़. रिवाइज टोटल, अगेन टोटल बोल रहा है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं बोल रहा है. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 14 करोड़ रुपए का है 30 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का.
जिसमें से 6 करोड़ लग चुके हैं, यानी इसका अनुमान यह है कि अभी 8 करोड़ रुपए और लगेंगे। 14 करोड़ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जिसमें से 6 करोड़ रुपए लग चुके हैं ना स्टूडेंट्स, बता रहा था, यानी फर्दर अनुमान है अभी 8 करोड़ रुपए और लगने का। एंड रिवाइज टोटल एस्टिमेटेड टर्नओवर इज 18 करोड़। टोटल एस्टिमेटेड टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, रेवेन्यू कितनी आएगी, रेवेन्यू को ही टर्नओवर भी कहते हैं, 18 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई है। एडवाइज योर क्लाइंट ऑन द इंप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद रिवाइज्ड AS7। AS7 के हिसाब से अपने क्लाइंट को आप इसकी इंप्लीकेशन बताइए। बेसिकली आपको उसको, क्लाइंट को यह बताना है कि कितना प्रॉफिट वो पीएल में ट्रांसफर कर सकता है। तो सबसे पहला काम यह होता है, करंट ईयर प्रॉफिट पहले नहीं निकाली जाती, पहले निकाली जाती है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अगर निगेटिव है तो पूरा लॉस ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव होगा तो अगला काम होता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के दो मेथड है, पहला है कॉस्ट मेथड, दूसरा है सर्वेयर मेथड। अगर मैं कॉस्ट मेथड से निकाल पाऊंगा तो मैं कॉस्ट मेथड से ही निकालूंगा, नहीं निकाल पाया तो सर्वेयर मेथड पे जाऊंगा, और फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी तो मैं करंट ईयर प्रॉफिट निकाल दूंगा। आइए प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं इसको। आंसर टू, सबसे पहली हेडिंग ये देंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट टिल डेट और लेस करेंगे फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, नई वाली लेंगे 14 करोड़, ठीक है। कितना खर्चा लगा चुके हैं, 6 करोड़, और क्वेश्चन बोल रहा था टोटल खर्चा 14 करोड़ का है, तो 6 करोड़ लगा चुके हैं तो यानी 8 करोड़ और लगेगा, ठीक है, 8 करोड़ फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 18 करोड़ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 18 करोड़ है, ये रही। तो इसमें से घटा दीजिए, 18 करोड़ में से 6 करोड़ है, 8 करोड़, 4 करोड़ बचेगा, ये हो गया प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट आ रहा है तो आप करंट ईयर प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन करंट ईयर प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इंकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितना खर्चा किए हो, 6 करोड़ रुपए, टोटल खर्चा कितना लगेगा, 14 करोड़ रुपए, निकालिए परसेंटेज, 6/14, बोलिए 42.85%। राइट, आगे बढ़े, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। आइए करंट ईयर प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 18 करोड़, 18 करोड़ इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना, 42.85%, या निकाल लो तो 18 इनटू 42.85%, 7.713 करोड़ आ रहा है,
ठीक है, इसमें से लेस करो कॉस्ट, करंट ईयर कॉस्ट इनकर्ड, करंट ईयर कॉस्ट इनकर्ड। इसको वैसे बोला जाता है, टेक्निकली हम बोलते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कह सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में बोलते करंट ईयर में जितना खर्चा लगा, कितना लगा, 6 करोड़, तो आ गया 1.713 करोड़ का प्रॉफिट है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप क्लाइंट को आप क्या एडवाइस करेंगे, आप कहेंगे कि इतना रुपया ट्रांसफर कर लीजिए आप करंट ईयर के पीएल में। देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट ऑफ रूपी 1.713 करोड़ शुड बी ट्रांसफर्ड टू करंट ईयर पीएल अकाउंट। ये सजेशन हो गया क्लाइंट के लिए, यही तो मांग रहा था क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पहले 4 करते हैं बाद में करेंगे 3.4, पहले 4 देखिए, 4 में कुछ यूनिक है, कुछ नया है। एक्स लिमिटेड कमेंस अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/4/2013, द फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड वॉज 2 लाख रुपी, द कंपनी इंकर्ड 81,000 इन 13-14 फॉर 45% वर्क। क्या कह रहा है, एक एक चीज, 2 लाख रुपए क्या है, काम शुरू हुआ है 1/4/2013 को, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 लाख रुपया, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई। ठीक है, कंपनी इनकर्ड 81,000 इन 13-14, 81,000 रुपए 13-14 में कंपनी ने खर्च किया 45% काम के लिए, और कंपनी को कितना मिला, 79,000 एज प्रोग्रेस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। 81,000 रुपए 13-14 में उसने खर्च किए, 45% वर्क कंप्लीट हुआ और 79,000 उसको पेमेंट मिल गई कॉन्ट्रैक्टर को। फिर कहता है कॉस्ट इनकर्ड इन 14-15 वाज इतना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, जब भी ये क्वेश्चन में 2 सालों की बात करे, जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं बताता हूं, अब जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें 2 सालों की बात कर रहा है, पहले साल की बात कर लिया, फिर वो खत्म हो गया तो आगे की बात कर लिया, जैसे पहले तो वो बात कर रहा है 13-14 की, फिर वो आगे 14-15 की बात करने लग जा रहा है, 2014-15 की। तो अब हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 13-14 की जो उसने बात बताई है, आप 14-15 की बातों को यूज मत कीजिएगा जब आप 13-14 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। क्यों, एक बात बताइए, 13-14 का जब आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उस समय क्या आपको आगे क्या होने वाला है एक्चुअल में पता है, नहीं। क्वेश्चन ना 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आप सोचिए जब हम 13-14 की प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो मुझे यहां तक का एक्चुअल खर्चा पता है, लेकिन आगे का हम एस्टिमेटेड खर्चा ही जानते हैं, हमको एक्चुअल थोड़ी ना पता है। तो जब यहां की आप प्रॉफिट निकालिएगा तो यहां की कोई भी एक्चुअल फिगर को मत देखिएगा आने वाली। ठीक है, 14-15 की एक्चुअल फिगर को आप तभी देखेंगे जब आप 14-15 का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ये हमेशा होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, जब भी क्वेश्चन आपको 3 साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, 4 साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, पहले साल का प्रॉफिट और दूसरे साल का प्रॉफिट दोनों निकालना है, मान लो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का प्रॉफिट भी निकालना है, तो पहले साल का प्रॉफिट निकालते समय आप ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि दूसरे साल की एक्चुअल इंफॉर्मेशन देख ली। क्यों, क्योंकि दूसरे साल की एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो दूसरे साल के बाद पता चलेगी, और पहले साल की आप प्रॉफिट कब निकाल रहे हो, पहले साल के खत्म होते ही,
ऐसा थोड़ी ना है कि पहला साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, अब यहां पे आप इसकी भी प्रॉफिट निकाल रहे हो और इसकी भी प्रॉफिट निकाल रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है। 13-14 की प्रॉफिट 13-14 के खत्म होते ही निकल गई, और 14-15 की प्रॉफिट 14-15 के खत्म होते ही निकलेगी। तो क्वेश्चन में अगर 2 साल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और दोनों साल का प्रॉफिट कहता है, तो पहले साल का प्रॉफिट से पहले साल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकालिए, और दूसरे साल का प्रॉफिट दूसरे साल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकालिए। ठीक है, पहले साल का प्रॉफिट निकालते समय दूसरे साल के एक्चुअल इंफॉर्मेशन को मत देखिएगा। आइए मैं समझाता हूं। अब आगे क्या है, द कॉस्ट इंकर्ड इन 14-15 वॉज 89,000 टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। 14-15 में 89,000 का खर्चा और लगा काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 13-14 एंड 14-15, ऑल्सो प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी का खाता भी बनाइए। आपको पीएल बनाना है या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है 13-14 का और 14-15 का। ठीक है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है कि नहीं है, पहले तो यही समझ लेते हैं ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है कि नहीं है। देखिए, 2 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 81,000 रुपए का खर्चा लगा है, होने वाला खर्चा कितना है ये क्वेश्चन में कहीं बताया ही नहीं, क्योंकि सीधे अब वो बता रहा है एक्चुअल खर्चा 14-15 में 89,000 लगा है। अगर कभी भी आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन नहीं देता है क्वेश्चन, क्वेश्चन सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट खर्चा बता देता है, आने वाला खर्चा नहीं बताता है, तो आप क्या मान के चलेंगे, आपको ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? अरे भाई साहब, हमेशा वही चीज मानो जिससे दुनिया चल रही है। जनरली कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट में कमाता है कि गवा देता होगा? अरे ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें हम जनरली गवा देते हैं, कमाते ही होंगे। तो जब भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट ना पता हो, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है, हम ये मान लेते हैं कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है, और अब करंट ईयर प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर नहीं पता है, आप ये मत कहिएगा सर हम निकाल लेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, करंट ईयर का खर्चा ये पता है और दूसरे साल का खर्चा ये पता है, तो दोनों साल का खर्चा जोड़ के देख लेते हैं टोटल खर्चा। अरे बच्चों, ये गलती तो कभी मत कर देना। एक बात बताओ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम कहां निकालने को कह रहे हैं? यहां पे पहले साल का जब प्रॉफिट निकाल लो ना, तभी कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकालो। तो क्या जब यहां पे तुम खड़े थे तो अगले साल कितना एक्चुअल खर्चा होगा पता है तुमको? नहीं, वो कब पता चला? जब तुम यहां खड़े थे। अरे तो यहां खड़े होके काम करो ना, यहां खड़े होके जब काम कर रहे हो तो होने वाला क्या है वो भूल जाओ। यहां का ये तुमको पता थोड़ी ना है 89,000 रुपए का, ये तो एक्चुअल खर्चा बता रहा है अगले साल का, और अगले साल का खर्चा तो मुझे तब पता चलेगा जब हम अगले साल में घुसेंगे। हम कहां घुसे हैं? क्वेश्चन को पता है ना, हमको थोड़ी ना पता है, हम तो अभी पहले साल के अंत पे हैं। आ रही है बात समझ में? और उस समय मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे पहले साल में 81,000 लग गया, मुझे ये नहीं पता अगले साल कितना और लगेगा। राइट, तो वी कैनॉट कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एंड व्हेन वी कैनॉट कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वी एज्यूम दैट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज पॉजिटिव। अंडरस्टूड एवरीवन? अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट खर्चा घटाना है, प्रॉफिट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी ली जाती है? इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन करते हैं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए करंट खर्चा अपॉन टोटल एस्टिमेटेड खर्चा चाहिए। टोटल एस्टिमेटेड खर्चा है ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, उसने बता दिया 45% काम मैंने कर लिया है। ये कौन से मेथड से बता रहा होगा? सर्वेयर मेथड। खर्चा तो उसने दिया ही नहीं है मुझे, खर्चा तो उसने दिया ही नहीं है मुझे। फिर आप कहोगे सर खर्चा तो हमको टोटल मालूम है, ये अगले साल का ले लो ना। और ये बच्चों, फिर आप बदतमीजी कर दिए, अगले साल का खर्चा कैसे ले लूं मैं? अगले साल पहुंचा कहां हूं? मैं तो अभी यहीं पे हूं। अगले साल का अगर मुझे बताना है तो एस्टिमेटेड बताओ। एस्टिमेटेड क्वेश्चन दिया ही नहीं, अगले साल का एक्चुअल खर्चा दिया है। अगर अगले साल का एस्टिमेटेड देता तो मैं टोटल खर्चा बता देता आपको, टोटल एस्टिमेटेड खर्चा। अगले साल का वो एक्चुअल दिया है, वो तभी पता चलेगा जब मैं एक्चुअल साल अगले साल के अंत में खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सर्वेयर मेथड से 45% बता रहा है ना क्वेश्चन मुझे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 लाख का 45% रेवेन्यू होता है, पहले हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं फिर पीएल अकाउंट बना देंगे। 2 लाख का 45% रेवेन्यू हो गया, कितना हो गया? 90,000। खर्चा कितना? 81,000। 9,000 का प्रॉफिट। कितना सुंदर पीएल, कितना प्यारा पीएल। आओ बच्चों बनाते हैं प्यारा प्यारा पीएल। आंसर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर कौन सा है? 2013-14 का। ठीक है, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा, प्यारा सा, छोटा सा पीएल। पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर
रुपए। ठीक है, इधर लिखेंगे हम बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना लिया जाता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 लाख इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन 45%, हम लेंगे 90,000। ठीक है, और इधर लिखते हैं टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। याद आ रहा है मैंने आपको सिखाया था, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिख लीजिए या टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिख लीजिए। कितना लगा है, जो एक्चुअल खर्चा होता है वो डाल देते हैं 81,000, और यहां पे आ गया टू नेट प्रॉफिट 9,000। हो गया, इतना आसान होता है पीएल बनाना। ठीक है, दोनों साल का पीएल बनाना है, आइए दोनों साल का पीएल बना देते हैं। पीएल भी बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्टी बना दें, 13-14 का ही कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 2013-14। कॉन्ट्रैक्टर से पैसे आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या एंट्री करता है, पहले मैं वो एंट्री बताऊंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे क्या करना है मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंट्री करता है, जब पैसे आते हैं कॉन्ट्रैक्टर से तो एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ठीक है, तो बाई बैंक कितना पैसा आया, क्वेश्चन में देख लीजिए 79,000 कह रहा आ गया 79,000। ठीक है, और ये इसकी क्या एंट्री किया रहता है, इसके लिए तो एंट्री ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और ये वाला जो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखे थे 90,000, इसका क्या एंट्री है, इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम फर्दर कहां ले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, हम कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखिए, हम कॉन्ट्रैक्टी को कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लेने हैं ना, 90,000 रुपए का अगर हमने काम कर दिया है तो हम क्या कहेंगे, 90,000 रुपए मैं जो कॉन्ट्रैक्टी से लेने हैं, हम कॉन्ट्रैक्टी को 90,000 रुपए से डेबिट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही पैसा आ जाएगा 79,000 कॉन्ट्रैक्टी को हम क्रेडिट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टी क्या है, मेरा डेटर है ना, मुझे उससे पैसे लेने हैं तो हमको उसे डेबिट करना पड़ेगा ना, जितने रुपए का काम कर दिए उतने से हम उसको डेबिट करते हैं, जितने रुपए का काम हम कर दिए उतने से हम कॉन्ट्रैक्टी को डेबिट करते हैं, बस ऐसे दिमाग में बैठाइए। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जितने रुपए का काम कर दिया उतने से कॉन्ट्रैक्टी को डेबिट कर देगा, तो एंट्री वो करता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्टी को उतने रुपए से डेबिट करना है जितने रुपए का कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया। ठीक है, और फिर जितना रुपया रिसीव कर लिया उतने से क्रेडिट कर दिया, और बैलेंस कहेगा कि ये बच गया, लेना है रिसीवेबल है, टू बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन हो गया यहां पे। ₹11,000 इतने और लेने हैं, ठीक है। अब अगले साल का बनाते हैं पीएल, अगले साल क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2014-15, फिर से बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब अगले साल जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई करेंगे वो अगले साल में जितना काम किए, सेकेंड ईयर में जितना काम किए, पहले साल 45% काम किए तो अगले साल कितना किए होंगे, 55%, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना बता रहा है, दूसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो 55% काम किए होंगे, तो हम करेंगे 2 लाख इंटू 55%, ये हो गया 1,10,000 रुपया। ठीक है, इस साल का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पहले कंस्ट्रक्शन लिखा था वही लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देख लीजिए फिर से 89,000 ये रहा। तो अगले साल की प्रॉफिट देख लीजिए कितनी, डिफरेंस निकाल लीजिए 21,000 नेट प्रॉफिट एनपी लिखे हैं हम। अगले साल का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना देते हैं। कौन बना रहा है ये सब खाते, कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। आइए ऊपर देखिए, यहां पे बाई बैलेंस सीडी था 11,000 रुपया, अगले साल में यही टू बैलेंस बीडी बन जाएगा 11,000 रुपया, टू बैलेंस बीडी 11,000 रुपया। जितने रुपए का काम हम और कर देंगे उतने रुपए से और कॉन्ट्रैक्टी को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या और काम किए तो और डेबिट करेंगे हम उसको टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,10,000 रुपया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है क्या, पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने दे दिया होगा। क्वेश्चन में कुछ लिखा है, कुछ लिखा नहीं है, एज्यूम कर लिया जाता है भाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो पैसे आ गए होंगे। ठीक है, तो बाई बैंक जितना अब ये है वो पूरा पैसा दे दिया होगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर है ये पूरा पैसा दे दिया होगा 1,21,000 रुपया। यस, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है तो निश्चित सी बात है कॉन्ट्रैक्ट ही पूरे पैसे दे दिया होगा। क्वेश्चन नहीं भी कह रहा है तो भी साइलेंटली हम ये एज्यूम कर लेंगे पैसे पूरे हो चुके हैं। राइट, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो मुझे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, अगली क्लास में आपके साथ रिमेनिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। निश्चित है कि जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन की वैरायटी बदलती जाएगी और ऑब्वियसली उसके डिफिकल्टी का लेवल भी चेंज होता जाएगा। विल स्टॉप हियर।